उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निराश्रित गौवंश संरक्षण के तहत आज बरेली में मझगवा ब्लॉक क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में गौमाता और गौवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, भित्री चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, स्वामी पगलानंद महाराज, मझगवा ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह समेत तमाम नेताओं ने गौवंश पालन और उनके देखरेख पर विस्तार से चर्चा की। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस गौशाला में 75 गाय रखी जाएंगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि गौशाला की देखरेख में सहयोग करें। आगे कहा कि इसी प्रहलादपुर गांव का छात्र दुष्यंत कुमार शर्मा गाय का दूध पीकर जज बन गया। इस गांव के गरीब बच्चों को गौशाला के गांव का आधा किलो दूध फ्री में दिया जाएगा। इस मौके पर जिला प्रशासन के एडीएम, ईएसपी देहात, अपर निदेशक पशुपालन विभाग, एसडीएम आंवला, बीडीओ मझगवा सहित भारी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के अलावा क्षेत्र की जनता मौजूद रही। देश में कोई भी पशुपालक अब गाय ना पाले, एक राज्य का जारी कर दो, सरकार गाय पाले, फिर आप गाय का दूध बोल लो, क्या करना चाहिए? या फिर जब तक गाय है क्या हमारे यहाँ, जब तक गाय दूध देती है तब तक आप गाय को पालते हैं, और गाय जब दूध नहीं देती है तो उसे छोड़ देते हैं। फिर अब समस्या है किसान के सामने भी, समस्या गाय के सामने भी, समस्या और पशुपालक के भी सामने समस्या। जो गाय आपने दूध देने के बाद छोड़ दी, वो गाय किसान के खेत में खाने ना जाए तो फिर क्या करें?